दूरसंचार विभाग की तरफ से बीते साल 7 दिसंबर को 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने की छूट को खत्म करने का आदेश दिया गया था। साथ ही यूजर को 9 से ज्यादा सिम का वेरिफिकेशन कराने के लिए 45 दिनों का वक्त दिया गया था, जिसकी समय सीमा आज यानी कि 20 जनवरी 2022 से खत्म हो रही है। ऐसे में बिना वेरिफिकेशन 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर के सिम कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। इन सिम कार्ड से ना कोई आउटगोइंग कॉल हो सकेगा और न ही इन सिम कार्ड पर इनकमिंग कॉल आएगी, मतलब यह सिम पूरी तरह से कबाड़ हो जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का नया सिम कार्ड नियम 7 दिसंबर 2021 से देश भर में लागू हो गया था। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिया था कि बिना वेरिफिकेशन 9 से ज्यादा सिम चलाने वाले यूजर के सिम कार्ड को 30 दिनों के लिए आउटगोइंग कॉल और 45 दिनों में इनकमिंग कॉल बंद कर दी जाए। साथ ही सिम को 60 दिनों के भीतर पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया था। वहीं इंटरनेशनल रोमिंग, बीमार और विकलांग व्यक्तियों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय देने का ऐलान किया गया था। दूरसंचार विभाग के नए नियम के माने तो भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से अधिकतम 9 सिम रख सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर और समेत पूर्वोत्तर के लिए 6 सिम रखने की छूट है। नए नियम के मुताबिक एक आईडी पर 9 से ज्यादा सिम रखना अवैध होगा। ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड, आपत्तिजनक कॉल की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।